किसान आंदोलन के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा देश में अब लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में है। तब मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। राहुल के वार पर बीजेपी ने दिलाई इमरजेंसी की याद, कहा कांग्रेस के नेता क्यों भूल गए इतिहास। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ लेना। किसान कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा विरोध करने वाले को बताया जाता है आतंकवादी। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे, एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा झूठ फैला रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। राहुल गांधी इस तरह से भावनाएं ना भड़काएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, अपनी उनकी जो छोटी बहुत राजनीति बची हुई है छोटी मोटी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से वो छोटी मोटी राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। खेती कानून को लेकर प्रियंका वाड्रा ने भी मोदी सरकार को घेरा, कहा किसानों को देश विरोधी बताना गलत। किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का हृदय है, अगर वो बैठा है उसका आदर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी, खेती कानून को वापस लेने की मांग वाला ज्ञापन सौंपा, 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने वाली थी कांग्रेस, पुलिस ने नहीं दी इजाजत, हिरासत में लिए गए प्रियंका वाड्रा समेत कई नेता। हिरासत में लिए जाने का प्रियंका वाड्रा ने किया विरोध, मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे। 5 दिनों के भीतर सरकार ने किसानों को लिखी दूसरी चिट्ठी, कहा बातचीत की तारीख और समय तय करने की अपील। सरकार ने चिट्ठी में किसानों को भरोसा दिलाया, लिखा सभी मुद्दों पर खुले मन से बात के लिए तैयार। किसान आंदोलन के बीच अन्नदाताओं के साथ सरकार का मेगा प्लान, कल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जन्मदिन पर किसानों के साथ चौपाल करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम की चौपाल को देश भर में किसानों के साथ सुनेंगे बड़े मंत्री, महरौली में किसानों संग मौजूद होंगे गृह मंत्री। किसानों के साथ पीएम की चौपाल में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे बीजेपी के दिग्गज, महरौली में किसानों के साथ होंगे अमित शाह। 29वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। आंदोलनकारी किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे को किया ठप, ट्रैक्टर लगाकर जाम किया। किसान आंदोलन की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तरफ से बंद रही आवाजाही, घंटों तक जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। नोएडा में किसान कानून के समर्थन में किसानों ने निकाली विशाल यात्रा, दिल्ली आकर कृषि मंत्री को सौंपा समर्थन पत्र। बागपत से आए किसानों से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानून के समर्थकों के साथ हुई चर्चा। अमृतसर में धरने पर बैठे दिल्ली के आंदोलनकारियों के परिजन, एसजीपीसी की ओर से 1000 बिस्तरे और वाटरप्रूफ टेंट का इंतजाम। पटियाला में 7वें आसमान पर पहुंचा किसानों का गुस्सा, मोबाइल टावर की बिजली काटी। पंजाब जारी है किसानों का दिल्ली कूच, भटिंडा से ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हजारों किसान। महाराष्ट्र से भी दिल्ली पहुंच रहा है किसानों का जत्था, नासिक से 60 गाड़ियों में हुए रवाना। किसान आंदोलन के दौरान भाईचारे की मिसाल, गुहान में गांव वालों ने लंगर लगाया। जींद में किसानों ने खोद डाला, दुष्यंत चौटाला के आने के लिए बनाया गया हेलीपैड, गो बैक के नारे लगाए।
विश्व भारती के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संबोधन, आजादी की लड़ाई में बंगाल के योगदान की सराहना। पीएम मोदी ने नए भारत के निर्माण में नए बंगाल की भूमिका पर दिया जोर, कहा हम गुरुजनों के सपनों को पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। ममता बनर्जी को नहीं मिला शांति निकेतन में समारोह का न्योता, कहा जो लोग चला रहे हैं यूनिवर्सिटी उन्हें गुरुदेव के आदर्शों से नहीं है कोई मतलब। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली, बोले बीजेपी में शामिल होना बिल्कुल सही फैसला। कोविड की चीनी वैक्सीन में सुअर की चर्बी की खबर को लेकर तेज हुई बहस, मुंबई में कुछ इस्लामिक संगठनों ने विरोध किया। टीके को लेकर इस्लामिक संगठनों ने भारत सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की, मुख्तार अब्बास नकवी बोले नेगेटिविटी फैला रहे हैं कुछ लोग। उनकी सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो लोगों की सेहत सलामती और दुनिया की बेहतरी के दुश्मन है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू हुई माथापच्ची, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। दिल्ली में पहले फेज में 51 लाख लोगों को मिलेगी वैक्सीन, राज्य के लिए 1.2 करोड़ डोज की आवश्यकता। राजस्थान में 31 दिसंबर तक जारी रहेगी नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1063 नए मामले, एक दिन में 37 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा नए मामले, 1,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 312 लोगों की मौत, अब तक 1,46,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा मरीजों की रिकवरी, अब तक 96,93,000 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 4,000 नए मामले, 19,06,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हैदराबाद में चलाया जा रहा है वेयर मास्क अभियान, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एहतियाती मुहिम। अरुणाचल में बड़ी सियासी हलचल, पंचायत चुनावों के नतीजे से पहले बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू के 6 विधायक। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में सियासी बवाल, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, पुलिस ने लाठियां चलाई। गोरखपुर में कांग्रेस की संकल्प यात्रा के दौरान बवाल, पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में अलबदर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, आतंकियों की मदद करने वाले 4 गिरफ्तार। मुंबई के नाला सुपारा में पुलिसकर्मी ने की खुदकुशी, अपने सर्विस पिस्टल से सिर में गोली मारी। मुंबई में अवैध हुक्का का कारोबार करने वाले गैंग का भंडाफोड़, करीब 3.5 टन हुक्का बरामद। दिल्ली में ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश, 30 बैंक खातों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में दिन दहाड़े कारोबारी से लूट, 3.5 लाख रुपए लेकर फरार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बने 2 गैंगस्टर्स के घर और दफ्तर गिराए गए। एटा में टेम्पो से स्कूल जा रही छात्रा से दरिंदगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शार्प शूटर को गिरफ्तार किया, 17 दिसंबर को वकील को गोली मारी थी। यूपी के महोबा में सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, 2 की मौत 4 घायल। झारखंड के गिरिडीह में 10 लाख का इनामी माओवादी प्रशांत मांझी गिरफ्तार, AK-47 राइफल और मैगजीन बरामद।
बिहार के सुपौल में बेरहमी से नाबालिग की हत्या, नहर के किनारे फेंकी 13 साल के बच्चे की लाश। कटिहार में शराब तस्करी के नए तरीके का खुलासा, बाइक पर लदे दो डीजल के प्लास्टिक ड्रम से 102 बोतल विदेशी शराब बरामद। हरदोई में दर्जन भर दबंगों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी की मारपीट, सीसीटीवी में तस्वीरें। कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक बाघिन को राजाजी नेशनल पार्क सुरक्षित छोड़ा गया, ट्रैंक्विलाइज करके 5 बाघ को भेजने का प्लान। क्रिसमस पर आम लोगों के लिए बंद रहेंगे दिल्ली के चर्च, कोरोना की वजह से फैसला। भीषण सर्दी के बावजूद नए साल के स्वागत में सजा जैसलमेर, लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या। कोरोना के कारण अधूरा है हिमाचल में क्रिसमस का जश्न, शिमला में सिर्फ 50% होटलों में बुकिंग। देवघर में क्रिसमस मनाने का नायाब तरीका, ईसा मसीह के जीवन पर आधारित दुर्लभ डाक टिकटों की लगाई जाती है प्रदर्शनी। दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, सुबह के समय करीब 50 मीटर होती है विजिबिलिटी। यूपी में ठंड की मार, घने कोहरे ने लोगों को बेहाल किया। हरियाणा और पंजाब में सर्दी का सितम, पंजाब के आदमपुर में 1.6 डिग्री और लुधियाना में 2.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। शीतलहरी की चपेट में उत्तराखंड, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में बर्फबारी के बाद गंगा और यमुना घाटी में ठंड ने बेहाल किया। चमोली में फिर बदल रहा है मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट के चलते जम गए बहते नाले। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त पाले ने बढ़ाई ठंड, 0 से नीचे पहुंचा तापमान। शेयर बाजार का क्रिसमस गिफ्ट, 529 अंकों की बढ़त के साथ 46,973 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद। लगातार 8वें हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में हुई खरीदारी। दिसंबर में पेट्रोल की बिक्री प्री कोविड लेवल पर पहुंचने की उम्मीद, अक्टूबर में 2% रही थी बिक्री में बढ़ोतरी। 2021 में भी एफडीआई जबरदस्त आने की उम्मीद, वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बावजूद इस साल सितंबर तक देश में 43.5 अरब डॉलर का निवेश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।